हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके लिए एनटीएसई, एनएसईजेएस और केवीपीवाई जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज, जिसमें मैं कोशिश करूंगा कि जो पिछले इयर्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जिसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हाई है, उन क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करूं। तो ऐसा ही क्वेश्चन आज आपके लिए लेके आया हूं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, तो ये रहा क्वेश्चन फर्स्ट। कंसिडर एन इनफाइनाइट ग्रिड विथ स्क्वेयर सेल्स। ये इनफाइनाइट ग्रिड दिख रही है आपको, इस पे इनफाइनाइट सेल्स हैं, स्क्वेयर सेल्स हैं। द रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू एडजेसेंट जॉइंट्स इज आर। अब ये जो दो जॉइंट्स हैं, इनके बीच में एडजेसेंट जॉइंट्स के बीच में जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर गिवन है। फाइंड द नेट रेजिस्टेंस आर नेट, जो इस पूरे ग्रिड का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको आर नेट बोल रहे हैं। और आर नेट ऑफ द होल ग्रिड बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। अब ये जो दो पॉइंट हमें दिखाए गए हैं, ये दो पॉइंट्स के बीच में हमें इस पूरी इनफाइनाइट ग्रिड का आर नेट, नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो इसको करने के दो तरीके हैं, जिसमें से सबसे पहले मैं बता रहा हूं आपको शॉर्टकट मेथड, जो कि हमारा बेस्ड है प्रिंसिपल ऑफ सिमेट्री एंड सुपरपोजिशन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन पार्ट में हम लिखेंगे Using principle of symmetry and superposition अब अगर हम इस पे, इस पूरी ग्रिड पे टोटल रेजिस्टेंस अगर हम मानते हैं आर नेट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, और करंट इस ग्रिड पे अज्यूम करते हैं हम कि करंट फ्लो हो रही है से आई, तो वो जो करंट है वो जब हर एडजेसेंट पॉइंट पे पहुंचेगी, सपोज ये पॉइंट पे आई, तो इस पॉइंट पे वो जो करंट होगा वो करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, आई बाय फोर, इधर भी जाएगा आई बाय फोर, इधर भी जाएगा आई बाय फोर, इधर भी जाएगा आई बाय फोर। ठीक इसी तरीके से हमारा ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे भी ऐसा ही कुछ पिक्चर दिखेगा। इधर हमारा जो करंट जा रहा होगा वो जा रहा होगा आई बाय फोर, इधर भी करंट जा रहा होगा हमारा आई बाय फोर, इधर भी करंट जा रहा होगा हमारा आई बाय फोर, एंड हियर ऑल्सो हम करंट हमारे पास में मिलेगा क्या, आई बाय फोर। अब ठीक इसी तरीके से हमारा ये जो पॉइंट बी है, जब करंट इस पॉइंट पे आएगा तब वो भी कुछ इस तरह से स्प्लिट हो रहा होगा, आई बाय फोर, आई बाय फोर, आई बाय फोर, आई बाय फोर। तो ये हमारे पास में इस तरीके से करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो हम क्या लिखते हैं कि लेट द टोटल resistance between A and B be R net and current flowing be say I। तो हमारा जो पोटेंशियल होगा वीएबी के बीच में, वीएबी के बीच में वो क्या होगा, आई इंटू आर नेट, से दिस बी इक्वेशन नंबर वन। अब ये तो पूरे नेटवर्क का हो गया। अब ए और बी के बीच में ये जो सेगमेंट है जो इस दो पॉइंट को जोड़ रहा है, उसके बीच में करंट क्या फ्लो हो रही है, आई बाय फोर प्लस आई बाय फोर। मतलब नाउ करंट बिटवीन
एंड बी इज इक्वल टू आई बाय फोर प्लस आई बाय फोर, तो ये हमें करंट कितनी मिलेगी आई बाय टू, और रेजिस्टेंस कितना है यहां पे, हर सेगमेंट का एडजेसेंट पॉइंट्स के बीच का जो रेजिस्टेंस है वो क्या दिया हुआ है कैपिटल आर। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नाउ बिटवीन ए एंड बी विल बी आई इंटू आर। तो अब हमारा जो करंट है यहां पे ए और बी के बीच में वो करंट है आई बाय टू। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर टू। अब ए और बी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होंगे, देयरफॉर तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा आई आर नेट विल बी इक्वल टू आई बाय टू इंटू आर। तो यहां से आई और आई कट जाएगा और आर नेट की वैल्यू आपको मिल जाएगी क्या आर बाय टू। अब ये शॉर्टकट मेथड है जो कि एग्जाम्स में आपके पास में कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं तो इसलिए आप शॉर्टकट मेथड अपनाते हैं, बट से कि अगर इसको सिस्टमैटिक सॉल्व किया जाए तो उसके लिए हमारे पास में सेकंड मेथड है जो थोड़ा सा कंपैरेटिवली लॉन्ग जाएगा। देखते हैं हम सेकंड मेथड इसका। तो हमारा जो सेकंड मेथड है वो सेकंड मेथड इस अजम्पशन पे बेस्ड है कि अगर इन्फिनिटी पे कुछ भी चीज एड कर दी जाए तो वो उसकी वैल्यू पे कोई चेंज प्रोड्यूस नहीं कर सकता। मतलब जैसे एक समुद्र में अगर आप एक ड्रम पानी निकाल लें तो क्या समुद्र के लेवल पे या उसके उसके सी के लेवल पे उसकी अमाउंट ऑफ वाटर पे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। ठीक इसी तरीके से हमारे पास यहां पे इनफाइनाइट ग्रिड है स्क्वायर सेल्स का, तो हम अगर इसमें एक सेल ऐड कर दें या एक सेल रिमूव कर दें उससे इस पूरे ग्रिड के रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम अज्यूम करते हैं कि ये जो सेल है स्क्वायर सेल इसको हम सेपरेट करते हैं और उसके इस तरफ भी इनफाइनाइट ग्रिड है, इसके ऊपर भी इनफाइनाइट ग्रिड है, इसके राइट में भी इनफाइनाइट ग्रिड है और इसके बॉटम पे भी इनफाइनाइट ग्रिड है। तो चलिए हम इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। तो इसका हम एक सिंप्लीफाइड डायग्राम बना लेते हैं। हम ये वाला सेल बना रहे हैं, है ना। इस सेल पे हमारे पास में ये रेजिस्टेंस है इधर का, ये इस पॉइंट का रेजिस्टेंस है इधर इधर का, तो इसके बाद में इधर पे भी एक रेजिस्टेंस हमने लिया, वो रेजिस्टेंस इधर और इधर का है, ये वाले के इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस है। देन ये इधर भी एक रेजिस्टेंस हमने बना लिया। अब ये रेजिस्टेंस ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का है, तो ये पॉइंट हमारा है बी और ये पॉइंट है हमारा ए, जैसा कि इस डायग्राम पे दिख रहा है। अब इसके ऊपर भी इनफाइनाइट ग्रिड है तो इनफाइनाइट ग्रिड का रेजिस्टेंस हमने, इसका रेजिस्टेंस क्या होगा आर होगा, इसका भी रेजिस्टेंस क्या होगा आर होगा, इसका भी रेजिस्टेंस आर होगा। अब इसके ऊपर इनफाइनाइट ग्रिड है उसका रेजिस्टेंस मैंने पहले ही बताया कि अगर हम अज्यूम कर लेते हैं लेट इट बी वॉट, लेट इट बी वाई, वाई हमने अज्यूम कर लिया। अब ठीक इसी तरीके से इस स्क्वायर ग्रिड के लेफ्ट पे भी इनफाइनाइट ग्रिड है उसका भी रेजिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं कितना से स्मॉल वाई, ये हमने कर लिया। अब ठीक इसी तरीके से इसके राइट पे भी इनफाइनाइट ग्रिड है उसका भी रेजिस्टेंस हम क्या अज्यूम कर लेते हैं से इट इज वाई। अब इसके बाद में हम इस नेटवर्क को सॉल्व कर लेते हैं। तो जब हम इस नेटवर्क को सॉल्व करते हैं तो देखिए ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल, ये दो पैरेलल और फिर ये तीनों सीरीज में आ जाएंगे। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, दोनों का पैरेलल क्या होगा आर इंटू वाई अपॉन आर प्लस वाई।
ठीक इसी तरीके से इसका भी यही आएगा, इसका भी यही आएगा, और तीनों सीरीज में है इसलिए आपस में ऐड हो जाएंगे, आर वाई अपॉन आर प्लस वाई प्लस आर वाई अपॉन आर प्लस वाई। अब ये आ गया हमारा क्या, से इट इज आर डैश, ये हमारा इस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा बिटवीन ए एंड बी, राइट। तो हमने क्या किया, अभी इसको लिखा, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3R अपॉन R प्लस y इंटू वाई, ये हमारा आ जाएगा R डैश। अब इसके बाद हम एक नेटवर्क और सिंप्लीफाइड ड्रॉ करते हैं, ये हमारा हो गया R डैश, ये पूरे नेटवर्क का सॉल्यूशन, और ये है हमारा पॉइंट A और ये है हमारा पॉइंट B, ए बी, इसके बीच में भी हमारा एक रेजिस्टेंस होगा जो कि इस वायर का होगा इस, तो ये हो गया R। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन इस पूरे ग्रिड के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के बराबर होगा जो कि हमने मान रखा है कितना वाई, राइट। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, तो हमने क्या लिखा, आर डैश इंटू आर अपॉन आर डैश प्लस आर, ये किसके बराबर होगा, रेजिस्टेंस ऑफ इनफाइनाइट ग्रिड के, राइट। तो अब यहां पे आर डैश की वैल्यू रख देते हैं हम, तो आर डैश की वैल्यू जब रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 3R इंटू आर, आर स्क्वेयर हो जाएगा वाई अपॉन, यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा इसके साथ में अपॉन में रहेगा R प्लस वाई, और नीचे क्या हो जाएगा, सेम नीचे हो जाएगा 3R वाई अपॉन R प्लस वाई प्लस R इक्वल टू वाई। अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो नीचे एलसीएम ले लें, अगर तो नीचे एलसीएम जब हम लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा 3RY प्लस ये हो जाएगा RY, इसमें 3RY में ऐड होगा तो बन जाएगा क्या 4RY प्लस R इंटू आर आर स्क्वेयर, और ऊपर ये R प्लस वाई इस R प्लस वाई से कट हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा ऊपर 3R स्क्वेयर वाई, और ये किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो अब इधर से y और y कट हो जाएगा, इधर से r और r कॉमन करके इस r से कट कर दीजिएगा और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब ऐसा करेंगे आप तो आपको वैल्यू क्या मिलने वाली है, आपको वैल्यू मिलने वाली है 4y प्लस r दैट इज इक्वल टू, हमें मिलने वाला है 3R। अब इस R को यहां ट्रांसपोज कर दीजिएगा तो 3R में से R गया तो 2R बचेगा। अब ठीक इसी तरीके से हमें क्या मिल जाएगा, इट इंप्लाइज 4Y इक्वल टू 2R, तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा, Y इक्वल टू 2R अपॉन 4, तो ये मिल जाएगा हमें R by 2। तो एक बार फिर से हमें इनफाइनाइट ग्रिड का रेजिस्टेंस जो कि हमने इनिशियल क्या मान रखा था Y, और उस Y की वैल्यू कितनी मिल रही है, R by 2। तो इस तरीके से आप किसी भी मेथड को यूज कर सकते हैं।